राजस्थान में गुटबाजी खत्म करने वाला कांग्रेस का प्लान क्या है? क्या बस से प्रदेश कांग्रेस में जारी गुटबाजी खत्म हो जाएगी? इस साल के आखिरी में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए कांग्रेस भले ही एड़ी चोटी का जोर लगा रही हो, लेकिन पार्टी की प्रदेश इकाई में जारी गुटबाजी कांग्रेस पर भारी पड़ती नजर आ रही है। लेकिन राजस्थान कांग्रेस ने एकजुटता दिखाने के लिए नया तरीका खोज निकाला है। दरअसल चुनावी साल में कई खेमों में बढ़ती दिखाई दे रही कांग्रेस ने एकजुटता का संदेश देने के लिए बस का सहारा लेने का फैसला किया है। राजस्थान में जहां जहां कांग्रेस की रैलियां हो रही हैं, वहां पर एक ही बस में भरकर कांग्रेस के सभी सीनियर नेताओं को ले जाया जा रहा है, ताकि प्रदेश की जनता को नेताओं के बीच एकजुटता का संदेश दिया जा सके। ऐसा ही नजारा जयपुर में भी दिखा, जब कांग्रेस के सभी बड़े नेता बस में एक साथ बैठकर करौली रैली के लिए रवाना हो गए। जयपुर के खासा कोठी से बस में कांग्रेस महासचिव अशोक गहलोत, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट, कांग्रेस महासचिव सीपी जोशी, राजस्थान के प्रभारी अविनाश पांडे और मोहन प्रकाश समेत दूसरे राज्यों के कई बड़े नेता सवार हुए। इन सभी नेताओं ने करीब 4 घंटे की यात्रा एक साथ की। सियासी जानकारों के मुताबिक नेताओं को बस में एक साथ भेजने के पीछे पार्टी की रणनीति ये है कि एक तरफ तो कांग्रेस के नेताओं के एक साथ होने का संदेश कार्यकर्ताओं और जनता के बीच जाए, दूसरा ये कि अब तक रैली में शामिल होने के लिए नेतागण अलग अलग गाड़ियों से जाते थे और अलग अलग समय से पहुंचते थे, जिससे स्वागत सत्कार करने और अन्य चीजों में देरी हो जाती थी। साथ ही इससे जनता में गलत संदेश भी जाता था। आपको बता दें कि हाल ही में सीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर प्रदेश कांग्रेस के सीनियर नेताओं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के अलावा सीपी जोशी के बीच जमकर बयानबाजी देखने को मिली थी, जिससे न सिर्फ पार्टी की गुटबाजी खुलकर सतह पर आती दिखाई दी थी, बल्कि जनता में भी गलत संदेश गया। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस बस के जरिए एकजुटता संदेश देने में कहाँ तक कामयाब हो पाती है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।